क्योंकि ईएसएस शुरू होने वाला है अगले कुछ दिनों में, तो हमें यह समझना जरूरी है कि ईओएसएस पीरियड में स्टोर अपकीप में क्या पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखें। आज हम जानते हैं ईओएसएस यानी कि एंड ऑफ सीजन सेल के दौरान विंडो के कुछ पॉइंट्स जो हमेशा फॉलो होने चाहिए। विंडो पर स्टोर में चलने वाले ऑफर एकदम स्पष्ट दिखने चाहिए। ईओएसएस के दौरान विंडो पर मैनिक्विन को पहनाया हुआ मर्चेंडाइज हमेशा सेल मर्चेंडाइज ही हो। सेल शुरू होने के एक दिन पहले ही सेल विंडो का सेटअप हो जाना अनिवार्य है। अगर विंडो पे ये सारे पॉइंट्स फॉलो करे जाए तो कस्टमर्स को शॉपिंग करने के समय सेल मर्चेंडाइज पे फोकस करने में मदद करता है। आज हम जानते हैं कि स्टोर के फ्लोर पर ईओएसएस के दौरान मर्चेंडाइज डिस्प्ले करने में किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ईओएसएस के ऑफर के मर्चेंडाइज एक साथ डिस्प्ले करें। अलग अलग ऑफर्स के मर्चेंडाइज को मिक्स ना करके अलग अलग ग्रुप करें और इन पर ऑफर का कम्युनिकेशन भी मेंशन करें। ऑफर मैसेज कंफ्यूजिंग ना होकर एकदम क्लियर हो और सारे सेक्शंस में उचित शेल्फ टॉकर्स और टेबल टॉप्स को डिस्प्ले करें। अगर डिस्प्ले के लिए जगह काफी हो तो कोशिश यही करें कि मर्चेंडाइज डिस्प्ले करने के लिए स्टोर के प्रॉप्स को हटाना ना पड़े। कैश काउंटर अपकीप ड्यूरिंग ईओएसएस। कैश काउंटर साफ रखें, ब्रांड लोगो साफ रखें और काउंटर पे कोई एक्स्ट्रा गारमेंट्स ना रखें। पानी के ग्लासेस और बॉटल्स काउंटर पे ना रखें। कैश काउंटर के आसपास कोई धार्मिक फोटो या मूर्ति ना रखें और कैरी बैग्स को ठीक से अरेंज करें। पूरे दिन के लिए काफी बैग स्टॉक करें। काउंटर पे एक सभ्य यानी कि प्रेजेंटेबल पेन रखें जो कि कस्टमर्स को कार्ड स्वाइपिंग स्लिप पर साइन करने के लिए देने लायक हो। काउंटर पर बिलिंग स्टेशनरी जैसे कि स्टेपलर, पेन और कैची उपलब्ध होनी चाहिए। ऑल्टरेशन और मैनुअल बिल बुक भी काउंटर के आसपास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सके। अगर स्टोर में ईओएसएस के टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल जैसे कि टेंट कार्ड या टेबल टॉप है तो उसको भी काउंटर पर डिस्प्ले जरूर करें।